नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ है, इस विवाद में भारत सरकार के साथ कौन से लोग खड़े हैं और वो कौन से लोग हैं जो भारत सरकार का ही विरोध कर रहे हैं? आइए इसी मुद्दे पर आपको थोड़ी सी जानकारी दिए देते हैं। दरअसल जब ये विवाद हुआ तब कुछ पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने की ठान ली। सरकार के साथ खड़े होकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कि वो कौन सी पार्टियां हैं जो सरकार के साथ खड़ी हैं और वो कौन सी पार्टियां हैं जो सरकार को ही घेरने में लगी हैं और वो कौन से नेता हैं जो अपनी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जब चीन के साथ सीमा विवाद का नया मामला सामने आया तब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और कहा था कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं। हालांकि कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है कि सरकार झूठ बोल रही है। इसके बाद पीएमओ की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने पीएमओ के बयान पर भी सवाल खड़े कर दिए। मतलब कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा रोज नए नए आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहा जा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि चीन के आक्रामक रवैये से प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए। कांग्रेस के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान और पीएमओ की ओर से जारी सफाई को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के भारत चीन यानी ऐसी कथन से भ्रमित होकर जनता पूछ रही है कि यदि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा तो हमारे सैनिक किन हालातों में शहीद हुए और क्यों इस कथन से चीन को क्लीन चिट दी जा रही है। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना राष्ट्र विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, हम तब तक सवाल करते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि गलवान घाटी में उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि सेना और विदेश मंत्रालय के बयान से पीएम मोदी का बयान अलग है, ऐसे में देश को सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये रहे वो नेता या वो पार्टियां जो सरकार के खिलाफत में खड़ी हैं। अब हम नजर डालते हैं उन नेताओं पर या उन पार्टियों पर जो सरकार के साथ इस मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल शरद पवार केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। इन सबके साथ ही चार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी सरकार के साथ खड़े हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बयान जारी कर केंद्र और पीएम मोदी का समर्थन किया है। वैसे मौका राजनीति का नहीं बल्कि एकजुट होकर चीन के खिलाफ लड़ने का था, लेकिन हमारे देश की कुछ पार्टियों ने इस पर राजनीति शुरू कर दी और इस मुद्दे को राजनीतिक बना दिया। वहीं अगर बात चीन की करें तो चीन के साथ बातचीत भी चल रही है। इसी के साथ सीमा पर बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती भी कर दी गई है और सरकार ने चीन के हर हरकत का जवाब देने के लिए जवानों को यानी हमारी सेना को खुली छूट दे दी है।